यूक्रेन के लिए जिस तरीके का समर्थन दिखाई दिया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के शुरू होते वक्त, उस तरीके का अब समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है अमेरिकियों के बीच में। यूक्रेन पर रूस के साथ शांति समझौते के पक्ष में 47% अमेरिकी, 46% लोगों को रूस यूक्रेन में से किसी की जीत दिखाई नहीं दे रही है, 26% लोगों को मॉस्को और 26% लोगों को दिख रही है कीव की जीत। लेकिन अधिकांश लोगों को यह लग रहा है कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसमें ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, और इसीलिए अमेरिका में अब किसी परिणाम की तरफ ये क्योंकि पलड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए यूक्रेनियनों की तरफ समर्थन और जो उत्साह है वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। अगली अहम खबर भी आपके सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है, इसको लेकर मैं जरूर जाऊंगा यूके देवनाथ सार के पास, लेकिन पहले देखिए यूक्रेन को झटका देने वाली आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं। आसमानी ताकत में महारत का यूक्रेन का सपना अधूरा, जर्मनी से यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने से इनकार किया गया, यूक्रेन के बजाय पोलैंड में होगी पैट्रियट की तैनाती, जबकि पोलैंड ने कहा था कि हमारे यहाँ तैनात मत कीजिए, कीव में तैनात कीजिए, और जर्मनी दे दे, जर्मनी और रशिया को आमने सामने किया जाने वाला था लेकिन जर्मनी ने पैट्रियट। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देने से इनकार कर दिया, पेट्रियट देना है तो अमेरिका उस बारे में सोचे, और पोलैंड में तैनाती होगी कीव में तैनाती नहीं होगी, इसके मायने क्या है, खबर क्या है, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। क्यों कहा जा रहा है लिमिट्स क्रॉस्ड, इसलिए क्योंकि यूक्रेन के लंबी दूरी के वॉरफेयर वाले सपने पर पानी फेरा। एक तो अमेरिका ने यह कह दिया कि हम ऐसे आपको हाईमार्स नहीं देंगे जिसमें दूर तक फेंकने वाले रॉकेट्स हों, उसकी लिमिटेड रेंज होगी, आपकी टेरिटरी में होगी, वो रशिया की तरफ नहीं जा सकते। देखिए जरा खबर क्या है, यूक्रेन के लंबी दूरी के वॉरफेयर के सपने पर फेरा पानी, कैसे, यूक्रेन को पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा जर्मनी। एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और यह समझा जा रहा था कि पेट्रियट के आने के बाद तस्वीर और बदल जाएगी, नैसाम्स के आने के बाद कीव और आसपास सुरक्षित है, लेकिन पेट्रियट के आ जाने के बाद चीजें एकदम बदल जाएंगी, लेकिन पेट्रियट अब जर्मनी की तरफ से नहीं आने वाला, यह बात स्पष्ट कर दी गई है। पोलैंड में तैनात होंगे जर्मन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 30 नवंबर को यूक्रेन, यहां देखिए पोलैंड में तैनात होंगे जर्मन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। पोलैंड हालांकि खुद कह रहा था कि हमारे यहां तैनात मत करो, हमको जरूरत नहीं है, कीव में तैनात करो, लेकिन यहां बहुत सारी चीजें वो हैं जो ये बड़े देश तय कर रहे हैं, खासतौर से अमेरिका तय कर रहा है। यहां देखिए 30 नवंबर को यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की थी पेट्रियट की मांग, आपको ये याद होगा, कुलेबा ने यह कहा था कि हमारे यहां पर तैनात होना चाहिए पेट्रियट पोलैंड में भी तैनात होना चाहिए ताकि वहां जो इस तरीके से मिसाइल जाकर रूस की गिरी है वो उसको बीच में ही मारा जा सके, लेकिन पोलैंड ने कहा हम इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, कीव में तैनात कर दो। अब देखिए जरा लॉन्ग रेंज मिसाइल क्यों चाहता है यूक्रेन, क्या चाहता है वो, क्या अभी जहां पर उसने ड्रोन भेजे हैं वहां अपने रॉकेट्स भेजना चाहता है वो, क्या चाहता है वहां मिसाइल भेजना चाहता है ताकि रूस के मिसाइल हमले को बॉर्डर पर ही खत्म किया जा सके। यूक्रेन का ये लंबी दूरी का वॉरफेयर का सपना, बॉर्डर पर ही उसके मिसाइल्स को रोका जा सके, अगर और मुमकिन हो तो उसकी टेरिटरी पर जाकर जब आवश्यकता पड़े तो हमला किया जा सके। ये जो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस का तरीका सोचा जा रहा है, ये क्या वेस्ट होने देगा, क्या ये नेटो होने देगा, क्योंकि इससे इस युद्ध के एक अलग मोड पर, अलग ट्रेजेक्ट्री पर चले जाने का एक बड़ा अंदेशा है। यूके देवनाथ सर। जी हाँ दिनेश, एक चीज बहुत क्लियर है कि नेटो कंट्रीज और खासतौर से अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये युद्ध जो है किस हालत में है उससे ज्यादा विकराल रूप धारण करे। अभी अमेरिका और नेटो देश बहुत हैप्पी हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड हैं कि यूक्रेन ने रशिया को उलझा के रखा हुआ है, जो कि अमेरिका का उद्देश्य है। अमेरिका भी जानता है, पेंटागन ने पूरा आंकलन कर लिया है कि इस युद्ध में यूक्रेन किसी भी हालत में रूस के अंदर घुस नहीं सकता। हाँ, रूस को जहां पर है वहीं पर अगर रोक के रख लें तो इसे ही पश्चिमी देश यूक्रेन की जीत मान रही हैं। एक चीज बहुत जरूरी है ये समझना कि यूक्रेन जो है इस युद्ध में कैसे जीतेगा। यूक्रेन अपने मन ही मन में जानता है कि अगर जो यथास्थिति है उसको अगर बना के रखे तो यूक्रेन इस युद्ध में जीत रहा है। जहां तक क्रीमिया में घुसने की बात है या डोनेस्क लुहांस में घुसने की बात है, ये सिर्फ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।